स्पार्क्स ने अभी में बहुत सारे शूज़ और स्नीकर लॉन्च कर दिए बजट सेगमेंट में। कुछ तो 800 रुपये में मिल जाएंगे, कुछ तो 1000 रुपये में मिल जाएंगे, पर क्या ये उस प्राइस रेंज में लेना वर्थ रहेगा, जानेंगे आज की वीडियो। जैसे कि ये है स्पार्क्स का एक न्यू लॉन्च स्नीकर। इसका जो आर्टिकल नेम है वो है SM747। ये वाला एक काफी ट्रेंडिंग स्नीकर और पिछले वाले हॉल वीडियो में मैंने स्नीकर को इंक्लूड करा था। अब सबसे पहले देख लेते इसकी अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स आप लोगों को मिल जाएगा स्पार्क्स की ब्रांडिंग कर रखी है। और अगर कोई स्पार्क्स का मेंबर देख रहा हो तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि यार बॉक्स को थोड़ा बहुत बदलो, काफी टाइम से सेम चल रहा है। इस तरफ आप लोगों को टैग में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि मॉडल नेम हो गया SM747 दे रखा है, MRP मिल जाएगी 949 की दे रखी है और इसी प्राइस पॉइंट पर ये सेल आउट भी हो रहे हैं। लिंक जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के साथ टैग भी कर रखी है। तो ये रहा स्पार्क्स SM747। दिखने में तो ये शो आप लोगों को पता ही है किसके जैसा दिखता है, नाइकी एयर जॉर्डन 1 जैसा। उसका जो हाई टॉप स्नीकर है वो इसके कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैच करते हैं, जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर में आता है। ये वाला स्नीकर भी मुझे लुक वाइज काफी सही लगा, ब्लैक और व्हाइट कलर का एक बढ़िया सा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रखा है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अगर लुक्स की बात चली रही है तो यहाँ पर आप लोगों को सेंटर में ब्रांडिंग मिल जाएगी, इस तरफ स्पार्क्स की ब्रांडिंग कर रखी है और पीछे की ओर भी एक छोटा सा लोगो इंक्लूड कर रखा है। इतनी जगह ब्रांडिंग कर रखी कि कोई भी बोल देगा कि हाँ स्पार्क्स का स्नीकर ही पहन रखा है। वहीं अगर मैं इसके मटेरियल वगैरह की बात करूं तो पूरा आप लोगों को सिंथेटिक मिल जाएगा। क्वालिटी में बोलूंगा थोड़ी सी एवरेज दे रखी, बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, पर हाँ मीडियम लाई करती है, क्योंकि यार इस प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को बहुत अच्छा तो नहीं मिलने वाला है। डिजाइन वाइज बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट पैचेस स्टिच कर रखे हैं। जितने भी आप लोगों को ब्लैक कलर के पैचेस मिलेंगे वो आप लोगों को इंटरनल लेयर से स्टिच मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ होल्स पैटर्न भी दे रखे हैं, जो कि आप लोगों की ब्रीदिंग प्रॉपर करते हैं। वॉकिंग के दौरान आप लोगों को यहाँ पर कोई भी स्वेटिंग को लेकर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं इसके लेसेस की बात करूं तो लेसेस आप लोगों को प्लेन और सिंपल मिलते हैं। टू बी ऑनेस्ट लेसेस को लेकर एक ही चीज बोलूंगा, क्वालिटी काफी गिरी हुई यूज कर रखी है। अब वही अगर मैं इसके बैक सोल की बात करूं तो बैकसोल में आप लोगों को सबसे पहले तो एक एडिशनल लेयर मिल जाएगी, जो कि TPR की दे रखी है। बचे हुआ जितना भी मटेरियल यहाँ पे यूज कर रखा है वो आप लोगों को पूरा रबर का मिलता है। ये वाली चीज आप लोगों को सॉफ्ट मिलेगी, बट जो हाँ ऊपर वाली लेयर है वो पूरी TPR की है और ये हार्ड दे रखी है। कंपेरेटिवली अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो ये थोड़ा बहुत ग्रिपिंग में हेल्प करता है, इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लॉक पैटर्न्स दे रखे हैं। सेंटर में यहाँ पर भी आप लोगों को स्पार्क्स की ब्रांडिंग मिल जाएगी एंड इस तरफ आप लोगों को साइज भी मिल जाएगा। वही अगर मैं इसके साइड सोल की बात करूं तो साइड सोल को यहाँ पे पूरा ग्लूड कर रखा है आउटर से, तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लगी क्योंकि इससे ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है। नॉर्मली अगर आप लोग 3-4 महीने यूज करोगे तो उसके बाद जो इसका आउटर है वो निकलने लग जाएगा। सोल हाइट मिल जाएगी इसकी कुछ 1 इंच के अराउंड एंड वही अगर मैं इसके इनसोल की बात करूं तो इनसोल में आप लोगों को एकदम पतली सी लेयर मिल जाएगी जिसमें रबर और फॉर्म का मिक्सचर यूज कर रखा है। उसके पीछे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए कार्डबोर्ड भी एड ऑन कर रखा है। आइट साइड भी आप लोगों को फॉर्म की पैडिंग मिल जाएगी, जो कि और कंफर्टेबल बनाते हैं। कुछ इस तरफ आप लोगों को डिफरेंट कंट्री के साइजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि परचेस के टाइम हेल्पफुल रहता है। अब आ जाते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट की ओर। तो शूज को अगर मैं कहीं से भी फ्लेक्स कर रहा हूं, फ्रंट से कर रहा हूं, बैक से कर रहा हूं, फिर पूरा मोड़ भी रहा हूं ना, तो एक चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, आउटर में थोड़े बहुत स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे जो कि इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। और तो यहाँ पर जो साइड सोल है वहां पर आप लोगों को कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं बनने वाले, और इसी चीज से यहाँ पे जो सिंथेटिक दे रखा है उसमें क्रीजेस आ जाएंगे और विद टाइम ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके वॉकिंग टेस्ट के ऊपर। तो वॉकिंग के दौरान ये शूज मुझे काफी कंफर्टेबल लगे। नॉर्मली मैंने इसको सब जगह वॉक करके देखा, पार्टी वगैरह में यूज करा, तो वहां पर भी शूज काफी कंफर्टेबल थे। एक जो नेगेटिव पॉइंट है शू का वो है इसका वेट। इस शू का वेट है अराउंड कुछ 380 ग्राम्स की, यानी कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। तो अगर आप लोग इसे दिन भर पहन रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप लोग इसे कैजुअली पहन रहे हो, 2 घंटे पहन रहे हो, 4 घंटे पहन रहे हो, तो उसके लिए ये सही रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी फिटिंग की बात करूं तो शूज एक्जैक्टली फिट थे मेरे साइज से, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। जंप के दौरान भी शूज काफी स्टेबल थे, तो अगर आप लोगों कोई लाइट एक्सरसाइज या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यूज करनी है तो वहां पर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब वही अगर मैं इसके प्राइसिंग और वर्डिक्ट की बात करूं तो ये शू पड़ेगा आप लोगों को एक्जैक्टली 930 रुपीज का। 930 रुपए में कोई बुरा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है एंड इसकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और तो और वीडियो के साथ टैग कर रखिए, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोगों का बजट इससे ज्यादा है तो और भी बहुत सारे शूज और स्नीकर मिल जाएंगे, आप उस पर जा सकते हैं, बट 1000 रुपए के आसपास बजट तो ये परचेस करना बनता है, क्योंकि इसका जो आउटर मटेरियल है वो आप लोगों को सिंथेटिक मिल जाएगा, सोल भी रबर का दे रखा है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी पूरी यूज कर रखी है और 1000 रुपए में काफी वर्थ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो शू परचेस करने में तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और भी अगर आप लोगों को कोई शू का रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके पिन करना, जरूर से करूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।